तो हमारे पास अभी दो बुक हैं दोस्तों बिगड़े, एक चरक संहिता है, एक भाव प्रकाश निघंटु आदर्श। पेज नंबर 344 में देखिए दोस्तों, ये है, खाने में तिक्त होता है, कड़वा टाइप में होता है, वो है उष्ण लघु दीपन वेदना स्थापना। ये है मेन इसका दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं वेदना, जहाँ पर भी दर्द हो रहा है उसकी ये इसको ख़त्म करता है। वात हर, जिसे वात पित्त हो जाता है, सर्दी खांसी होती है, उसके लिए है ये वात हर। कफ हर, ज्वर हर, मूत्र जनन। आज हम बना रहे हैं निघंटू यानी कि सिमहाली का तेल, और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही फायदेमंद है दर्द के लिए। आपके अगर दर्द कहीं पर भी हो रहा है, जोड़ों का दर्द, उंगलियों में दर्द, कंधों का दर्द, कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, तो इस तेल की मालिश करनी है। ये चीज़ कभी कोई बताता नहीं है, और हम इसको आज प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका तेल बनता है। सिमहाली, जो संभालू जिसको बोला जाता है, इसका डिकॉक्शन आज निकालेंगे। डिकॉक्शन के बाद इसका तेल बनाया जाएगा, और आप ज़रूर विधि देखिए, और अपने घर में आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है आज की, और इसके सिमहाली के पत्ती का हम पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका तेल आज हम बनाएंगे। ये है हरी सिमहाली, वाइटेक्स निघंटू है, लेकिन ये क्या है कि झाड़ियों में हमारे चारों तरफ मिल जाती है। ये करीब आधा पौन किलो करीब है, इसको हम अच्छी तरह से धोएंगे। और जो ये है, जो हमारे फार्म में लगी हुई है, ये ब्लैक कलर की सिमहाली है, जो काले रंग की है दोस्तों, इसमें धूल मिट्टी लगी है, इसको बिल्कुल साफ करके आपको धोना है, क्योंकि इसको हम थोड़ा पिएंगे भी। इसका डिकॉक्शन कैसे बनाना है वो भी आपको दिखा रहे हैं, इसलिए मैं इसको प्रोसेस को बिल्कुल साफ करके इसको दिखा रहे हैं। हम आपको इसलिए प्रैक्टिकल करके बता पा रहे हैं क्योंकि हमने 15 साल इन्हीं इंडस्ट्रीज में लगा दिया, इन्हीं चीज़ को बनाते हुए। एक किलो पत्ती है इसमें और 4 किलो इसमें पानी है। तो दोस्तों, ये डिकॉक्शन हमारा बनने को तैयार हो गया, रेडी। ये कढ़ाई हमारी तैयार है, इसको हम आधा लीटर तेल में बनाएंगे। इसका जो मालिश का तेल होगा, और आप भी इसी विधि से, इसी तरह से इसे घर में ज़रूर बनाएं, और इसको दोस्तों बीच बीच में चेक भी करना है, और हिलाना भी है थोड़ा सा, कहीं नीचे लग ना जाए, जल ना जाए पत्ते इसके। ये हमारे पास चरक संहिता है, जिससे हम इतना बता पाते हैं, और एक है भाव प्रकाश निघंटू। ये भाव प्रकाश निघंटू आदर्श है, आइए दिखाते हैं आपको इसमें। वेदना स्थापना, ये है मेन इसका दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं वेदना, जहाँ पर भी दर्द हो रहा है उसकी ये इसको ख़त्म करता है। ये हमारा पीने के लिए तैयार हो गया, देखते हैं इसको। ये छानना है हमें, अभी हमने बिना छना लिया है। दो कप ले रहा हूँ, एक हमारे कैमरामैन के लिए। इसमें स्वाद के लिए हम हनी या थोड़ा शुगर डाल सकते हैं, चीनी अपने स्वाद के अनुसार, लेकिन हम इसको फीका ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह का अभी सिस्टम नहीं है, हमारा फार्म हाउस है, तो यहाँ पे अभी बर्तन जो सामान था उस अवेलेबल है। हम इसको डिकॉक्शन पी के दिखाते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम है गले की, जोड़ों की दर्द की, वो आपको इसका रिजल्ट एकदम से तो नहीं बताएंगे, लेकिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन अगर हम कंटिन्यू इस तरह से प्रोसेस में लेते हैं, पीते हैं इसका डिकॉक्शन पत्तों का काढ़ा बना के, तो 15 दिन में हम इन सभी रोगों से दूर हो जाएंगे। जैसा दोस्तों भाव प्रकाश में लिखा गया है, उसी तरह का हल्का सा कटु इसका स्वाद लग रहा है, बहुत ही अच्छा स्वाद है, लेकिन पीने योग्य है, हम पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, बहुत ज़्यादा कटु नहीं है, हल्का है और तिक्त, हल्का तिक्त है, लेकिन हम इसको अगर शुगर मिला दें, चीनी मिला के खाएँ, शहद मिला के खाएँ तो अच्छा होगा, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर आप इसमें एडिशनल जितना कम रखोगे उतना बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट इस डिकॉक्शन को अगर हम फीका ही पिए तो वो बहुत ही असरदार होगा। इसको कपड़े से छानना है, ये डिकॉक्शन दिख रहे होंगे, और हमारे पास छन्नी, एक चाय छानने वाली, इसे हम छानेंगे। ये हमारा डिकॉक्शन तैयार हो गया, आप देख रहे होंगे, आगे जरा कैमरा करो, से देख रहे होंगे पूरा पतीला फुल भरा हुआ था, ये मात्र अब मुश्किल से आधा लीटर के करीब ये डिकॉक्शन बचा है। तो ये अब पकाया जाएगा तेल के अंदर, और ये दर्द में जो काम आएगा हमारा तेल।
अब इसको हम छानते हैं। और ठंडी आंच में इसको पकाया जा रहा है, देख रहे होंगे अभी इसका पूरा खद्दा लग रहा है। ये अभी इसका पूरा पकान होगा, ये तब तक हमें पकाना है जब तक पूरा पानी उड़ न जाए, खाली तेल तेल रहे। तो जब भी इसके बनाए जरा सावधानी से बनाए, जब इसका तुम तेल के साथ मिलाओगे तो हल्का सा गर्म होने के बाद पानी को और ठंडी आंच में पकाना है आपको। दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे जो इसमें हमने डिकॉक्शन डाला था, एक्सट्रैक्ट जितना भी हमने जड़ी बूटी का निकाला था वो इसमें डाल के सारा, अभी ये देखो तेल अलग हो गया, वो अलग हो गया है जो डिकॉक्शन सब जल गया है। तो इसमें अब तेल तेल की मात्रा है। अब इसको हम दोबारा छान के फिल्टर करके बोतल में डालेंगे जो हमारे यूज आएगा तेल मालिश के। देख रहे होंगे अभी इस पूरी प्रोसेस में हमारे 6 से 7 घंटे लग गए हैं। हमने ये दिन में 1-1.5 बजे करीब हमने शुरू किया था और अभी जो है 6, 6:30, 7 बजने वाले हैं और अभी हमारी प्रोसेस चल ही रही है। अब देख रहे होंगे कैमरामैन को लूँगा आ गया है, आगे आके दिखाएं। ये देख रहे होंगे तेल बिल्कुल इसमें जो डिकॉक्शन जितना हमने मिला था सब अलग हो गया है, कि तेल ऊपर को आने लग गया है। तो इसका मतलब ये हमारा तैयार हो गया, इसलिए इसकी पहचान है, इसमें तेल ऊपर को आ रहा है और जो जड़ी बूटी का जितना डिकॉक्शन है नीचे को है। ये तेल हमने बनाया है, इससे पहले जैसे आपने देखा होगा डिकॉक्शन हमने पिया है जोड़ों के दर्द के लिए, और ये जोड़ों के दर्द के मालिश का तेल अब ये तैयार है। इसको हम निकाल के छान के दोबारा से फिल्टर करके बोतल में स्टोर कर लेंगे और ये महीना 2 महीना जितना भी चलेगा मालिश के काम आएगा। चूल्हे से हटा के आगे ठंडा करने को रख दिया है। अब इसकी तासीर देखो कितनी बढ़िया तासीर बन रही है। अब इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे अपने बदन पर, एक अच्छी सी जैसे खुशबू सी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसको जहाँ पर दर्द होगा इसको थोड़ा सा रब करके लगाएंगे इसको, और जिस किसी के भी दर्द हो रहा हो इस तरह से वो घर में ज़रूर बनाए। बेस्ट ये तेल है जो हमारे जच्चा बच्चा माताएं बहनें जिनको अभी नवजात जिनके बच्चे होते हैं सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको हवा लग जाती है। कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो कहते थे हवा लगना, तो उस वात को रोकने के लिए सबसे बढ़िया जो आयुर्वेद में सबसे बढ़िया तेल ये निगुंडू का तेल है। इसकी मालिश ज़रूर किया करें, उनको ये मालिश का तेल सजेशन करें, क्योंकि जब हवा लगती है तो पूरे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द उनको होता है जो जच्चा बच्चा होता है, या जो माताओं को अभी जो बच्चा होता है वो हवा लग जाती है, तो उनके लिए मालिश का तेल बहुत ही शुभ है। और इसकी मालिश करने से पूरे हमारे जितनी भी हड्डियों के जोड़ हैं, बैंड हैं, सब सही हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अमृत तेल है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स जरूर करें।